महाराष्ट्र में बचे सियासी बवाल के बीच कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को महाराष्ट्र का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है और कमलनाथ महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। वहां कांग्रेस के विधायकों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ को महाराष्ट्र का ऑब्जर्वर बनाए जाने पर भाजपा ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जो अपना घर नहीं संभाल पाए वे दूसरों का घर क्या संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। अरे मेरा कहना है कि कमलनाथ जी को चाहे महाराष्ट्र में भेजें या कहीं भी भेजें, ये उनके नेतृत्व का निर्णय है। लेकिन जो हम अपना घर नहीं बचा पाए, माननीय कमलनाथ जी देखते रह गए, उनके विधायक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं सुने, तो महाराष्ट्र के विधायक उनकी क्या सुनेंगे। यहाँ भी बंटा ढार हुआ और जल्दी वहां भी बंटा ढार होगा। मैम, कमलनाथ जी महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और भाजपा कह रही है कि एमपी में तो विधायक संभाले नहीं जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जाकर क्या करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नगरीय निकाय चुनाव के पार्षदों को नहीं संभाल पा रहे हैं, पार्षद प्रत्याशियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने भाजपा के जो कार्यकर्ता उम्मीदवार बनकर आए हैं उन्हें नहीं संभाल पा रहे हैं, और भाजपा के नेता माननीय कमलनाथ जी जो कि राष्ट्रीय नेता हैं उनके बराबरी करना चाहते हैं। अब इनकी कुंठा का हम क्या करें? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इन्हें कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्य नहीं दे रहे हैं, तभी तो विश्वास सारंग जी और बीडी शर्मा जी दोनों अपनी कुंठा का उबाल यहाँ दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमलनाथ जी सफल होंगे क्या महाराष्ट्र में? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के विधायक सभी हमारे साथ हैं, कोई इधर उधर नहीं है। और भाजपा जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करती है, लोकतंत्र का अपमान करती है, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था ऐसा ही महाराष्ट्र में करना चाहती है, पर इस बार वो सफल नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।